नहीं। मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट एवं देश के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्म विभूषण जैसे देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित आदरणीय डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर जी, गेस्ट ऑफ ऑनर एवं सुप्रसिद्ध उद्योगपति और अंबुजा नेवटिया ग्रुप के चेयरमैन पद्मश्री हर्षवर्धन नेवटिया जी, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और गेस्ट ऑफ ऑनर इंडियन आईटी इंडस्ट्री के प्रकाश स्तंभ नैसकॉम के फाउंडर चेयरमैन और ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के चेयरमैन श्री हरीश मेहता जी, जूरी बोर्ड के चेयरमैन और अडानी, एलएनटी फाइनेंस, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, बेनेट कोलमैन और एक लंबी लिस्ट है, ब्लू स्टार जैसी देश की कई दिग्गज कंपनियों के बोर्ड में बतौर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और बहुत सारी जगह ऐसे चेयरमैन अपनी महती भूमिका निभाने वाले देश के सुप्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट श्रीमान शैलेश हरिभक्ति जी, नॉलेज पार्टनर पीएल ग्रुप यानी प्रभुदास यादव ग्रुप की सीएमडी श्रीमती अमीषा बोरा जी, जूरी बोर्ड के सभी सम्मानित सदस्य देवियों और सज्जनों, आज कॉरपोरेट लीडरशिप 2024 के इस कार्यक्रम में मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के पहले हमने जो एक थीम बनाया कि जितने भी अवार्ड विनर्स हों, जितने भी नॉमिनेशंस हों, वो ऐसे मूल्यांकन परिध के रास्ते से गुजरें जिनमें एक ठोस विश्वसनीयता हो, ठोस एक प्रामाणिकता हो। आज जितने भी अवार्डीज यहाँ पर अवार्ड रिसीव करेंगे उनके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत रही है, जूरी बोर्ड ने मेहनत की है जिसके अध्यक्ष श्रीमान शैलेश हरिभक्ति हैं, इसमें श्रीमान प्रदीप शाह जी, अमीषा बोरा जी, हरीश मेहता जी, पूर्वी शेठ जी, रवि दोषी जी और ऐसे महत्वपूर्ण लोगों के योगदान से जूरी ने पीएल कैपिटल ग्रुप जो हमारे नॉलेज पार्टनर हैं उनके द्वारा किए गए नॉमिनेशंस को इवेल्युएट किया, उनमें उन्होंने एक अच्छे विनर्स को निकाला। दूसरी बात, मैं भी जूरी बोर्ड की उस बैठक में मौजूद था जब हम देखते हैं कि जूरी बोर्ड जो नॉमिनेशंस करती है उनके द्वारा दिए गए लोगों में किसी एक को चुनती है, लेकिन हम लोगों का ये सौभाग्य रहा है कि श्रीमान शैलेश हरिभक्ति जी के नेतृत्व में कई सारी कंपनियों के विनर्स को उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, क्योंकि उनकी एक विशेषता है, वो एथिक्स को, गवर्नेंस को, सस्टेनेबिलिटी को और लीडर के करैक्टर को बहुत ध्यान देते हैं। जिन लोगों को उन्होंने नकारा उनका नाम तो मैं यहाँ नहीं लूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके कृतित्व व्यक्तित्व में कुछ खामियाँ थीं, तो जूरी बोर्ड ने इतनी गहराई से मूल्यांकन किया है कि जिन लोगों को आज अवार्ड दिया जाएगा उनको आप समझ सकते हैं किस कदर उन्होंने अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने में महती भूमिका निभाई होगी, और इसके लिए मैं समूचे जूरी बोर्ड का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन इंडिया की ग्रोथ क्षमता जो है उसके बारे में बहुत कुछ हमें चर्चा करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि समय का अभाव है। कल देश का आम बजट आएगा, इंटरिम बजट आएगा, उससे पहले इकोनॉमी की रिव्यू रिपोर्ट भी हम सभी भारतवासियों का उत्साह बढ़ाने वाली है। मैं उसके प्रमुख पॉइंट्स तो नहीं शेयर करूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सबको पता भी होगा कि अगले 3 साल में इंडिया की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो जाएगी और कुछ के चांसेस हैं कि हम अगले इन पड़ाव में $7 ट्रिलियन तक इकोनॉमी की संभावना है जो 2030 तक मुमकिन दिखती है। लगातार तीसरे साल हमारी GDP 7% की ग्रोथ रेट को पार कर सकती है। इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फिनटेक इकोनॉमी हो गई है। दुनिया की चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट अब हमारा है यानी भारत का है। दिसंबर में GDP कलेक्शन 1.65 लाख करोड़ था जो बार बार अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। यह ग्रोथ जर्नी में तमाम कॉरपोरेट्स का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, सारे इंडस्ट्रीज का, वो रोजगार देते हैं, कैपिटलिस्ट एलिमेंट्स को बढ़ावा देते हैं, देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं, और इसी उद्देश्य से आज हमने देश के आर्थिक विकास में योगदान देने वाली कंपनीज के CEOs, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, टॉप बिजनेस लीडर्स को उनकी बेहतरीन लीडरशिप, परफॉर्मेंस, बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूशंस और उपलब्धियों के आधार पर सम्मानित करने का फैसला लिया है। इस अवार्ड फंक्शन के आयोजित करने से पहले
जैसा कि मैंने बताया कि शैलेश जी के सहयोग नेतृत्व में जूरी बोर्ड ने हर चीज़ों पर ध्यान दिया, लेकिन आज इस अवार्ड को ऑर्गेनाइज करने के क्रम में मैं आप सबसे जो साझा करना चाहूँगा कि हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स और प्रॉफिटेबल अकाउंट्स बुक से इतर कुछ देखना चाह रहे हैं। ऐसे लीडर्स जो आज यहाँ सम्मानित होंगे, उन्होंने न अपनी लीडरशिप से बल्कि अपने सोशल इम्पैक्ट से देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस निरंतर विकसित हो रहे परिदृश्य में एडेप्टेबिलिटी सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ है। हमें बदलाव को अपनाना चाहिए, इनोवेशन का समर्थन करना चाहिए और खुद को लगातार चुनौती देनी चाहिए। हमारी जर्नी पिछली उपलब्धियों के साथ समाप्त नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह हमारी अपनी कोशिशों को पार करने की सतत प्रतिबद्धता होनी चाहिए। आज एक राष्ट्र के रूप में हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि देश में पिछले एक दशक से अस्थायी सरकार है और आने वाले समय में ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि यह स्थिति यूं ही बनी रहेगी। सरकार के पास स्पष्ट विजन है, अच्छी नीतियां हैं, विकास के लिए सराहनीय नीयत भी है। देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, फाइनेंस, रेलवे से लेकर फॉरेन पॉलिसी जैसे अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। आज देश के पास प्रचुर मात्रा में कैपिटल है, विश्व में एक हमारी साख है और बेहतरीन टैलेंट भी है। हमें बस जरूरत है कि इन चीज़ों का बेहतरीन सदुपयोग कर एक महान राष्ट्र के नवनिर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। आज पूरी दुनिया की निगाहें हम पर हैं, स्पिरिचुअलिटी भी हमारी इकोनॉमी का हिस्सा हो गई है। जैसा कि कल बजट आने वाला है और बजट रिकमेंडेशंस में प्राइम मिनिस्टर और पीएम को, फाइनेंस मिनिस्टर और कई लोगों ने टेंपल इकोनॉमी का रिकमेंडेशन दिया है। अयोध्या की लॉन्चिंग हुई, एक पूरी दुनिया के मानस पटल पर अयोध्या छा गया और उससे जो ग्रोथ रेट स्टेट का हो रहा है, यूपी जैसे राज्य जो बदलाव की बयार पर खड़े हैं, तो हमारी सरकार का भी मानना है कि स्पिरिचुअल इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा हमारी व्यवस्था में होना चाहिए। और ऐसे में एक जिम्मेदार मीडिया कंपनी के तौर पर हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अच्छे कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करें, प्रोत्साहित करें और देश की इन सारी डेटास को, इन सारे चीज़ों को बताने के पीछे मेरा ये मकसद रहा कि भारत अब पूरी दुनिया के मैदान में आ खड़ा हो गया है और हम आज इस हैसियत में हैं, हम किसी से भी आँख मिलाकर बात कर सकते हैं। वैसे कि हमारी जो हमारा जो राष्ट्रीय चरित्र रहा है, हम वसुधैव कुटुंबकम, उस भावना से अनुप्राणित व्यक्तित्व के हम हर एक नागरिक परिचायक होते हैं। हम में विनम्रता रहती है, भारत की पहचान है। खैर, गहराई में ना जाते हुए बस हम यही कहना चाहेंगे कि आप सब अच्छे काम करने वाले सीईओज़ को, बिजनेस लीडर्स को सम्मानित करने के लिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। यह छोटा सा प्रयास हमने आप सबके माध्यम से, आप सबके सहयोग से किया है। आप सब ने पधारकर इसकी गरिमा और सार्थकता में व्यापक वृद्धि की है। एक बार फिर आप सबका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। You know, ladies and gentlemen, Brené Brown once said that stories are nothing but data with soul. And I think Mr. Tiwari's keynote was replete with many such stories, statistics, data that really shows that the future of India is very hopeful. So thank you, Mr. Tiwari, for that epic keynote.